माँ तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। क्यों बेटा? इसलिए कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, सोचा कि मैं अपनी माँ के भवन में जा रहा। वहाँ अच्छा नहीं लगा? नहीं। क्यों बेटा? ऐसे ही अच्छा नहीं लगा, कहा कि मैं माँ के भवन में जा रहा। और तुम्हारे बदन का कपड़ा क्या हुआ? मेरे बदन का कपड़ा छोटी माँ ने निकाल लिया। माँ नहाते समय मुझे इस शरीर से जब कपड़ा निकाल लिया, इतना मुझे दुख हुआ माँ, आइंदा मैं उसके भवन में नहीं जाऊंगा माँ। कमलापति ने तुम्हारे बदन से कपड़ा उतार लिया? हाँ माँ। क्यों बेटा क्यों? न जाने उनकी मन में क्या थी, आते समय ने मेरे शरीर से कपड़ा निकाल लिया और मैंने वहां से भागता तुम्हारे भवन में आया हूँ। नहीं चंदन, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटा। नहीं माँ, कुछ मैं नहीं छिपा रहा हूँ, बस बात इतनी ही। क्या बात है बेटा, तुम्हारे बदन से कमलापति कपड़ा क्यों उतार लिया? न जाने उनके मन में क्या थी और क्या सोचकर हमारे इस बदन से कपड़ा निकाल लिया। हे भगवान। कमलापति ने मेरे बेटे के बदन से कपड़ा उतार लिया? आने दो महाराज को, मैं इंसाफ मांगूंगी। मेरे बेटे का बदन से कपड़ा उतार लिया? चंदनमा तुम्हारे भवन में है? कैसे क्यों नहीं बोलती हो? चंदन तुम्हारे भवन में आए हैं कि नहीं? क्या बात है स्वामी? मैं जो पूछता हूं जवाब दो। चंदनमा तुम्हारे भवन में आए हैं या कि नहीं? आप इतने गुस्से में मेरे चंदन को खोज रहे हैं? क्या बात है स्वामी? जो पूछता हूं जवाब दो, आए हैं या कि नहीं आए हैं? तुझे गुस्से में खोज रहे हैं? क्या बात है बेटा? हेलो हेलो,
माँ, जिसको भगवान बिगड़ जाता है ना, उसे यही हाल होता है। क्या जाने पिताजी भी इतना गुस्सा में है और मुझे ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं पिताजी को मैं प्रणाम करने के लिए जा रहा हूं। स्वीकार नहीं करेगा बादशाह। क्यों पिताजी, क्यों आप हम पर इतने गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? देखो, अपने औलाद से पूछो, छोटी महारानी के भवानी बेटी क्या गलती करके आए हैं, पूछ अपने औलाद से। स्वामी, बच्चों से छोट-मोट गलती हो जाते हैं, इसमें बुरा सोचने की क्या बात है? वो छोट गलती बड़ी गलती मैं नहीं जानता हूं। तुम अपनी औलाद से पूछ कि क्या गलती किया है, कैसे गलती किया है, तुम नहीं पूछ सकते हो। मां, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं ना, गुरुदेव को साक्षी देकर मैं कह रहा हूं कि मैं छोटी मां के साथ कोई गलती कोई अन्याय नहीं किया होगा। तुम्हारे पिताजी, तू कह रहे है गलती किया है, क्या गलती किया है? देखो, अगर तुझसे कोई गलती हुआ है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे पिताजी से माफी मांग लूं। बोलो। भले एक बेटा अपने माँ से क्या गलती कर सकता है, कौन मेरी बात सुनेगा? मैं कह रहा हूं बार बार कि मैंने माता के साथ कोई अन्याय नहीं किया हूं। मां, कोई अन्याय नहीं किया हूं। स्वामी, चंदन बार बार यही कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, क्या गलती किया है मेरा बेटा? वो तो मैं जानता हूं क्या गलती किया है तुम्हारे औलाद, मुझे बोलना पड़ेगा ना। सुन कान खोल करके, तुम्हारे औलाद क्या गलती किया है? महारानी कमलावती के भवन में रात के 12 बजे पलंग पे जा करके इज्जत से खेल मार क्यों है? मैं कैसे मान लूंगी कि मेरा बेटा कल कमलावती के पलंग पे गया था? क्या चाहती है, सबूत प्रमाण? हर औरत की पर्दे होते हैं, तुम भी एक औरत हो, तुम सर्च कर सकती है। अगर दूसरी प्रमाण देखने की चाहती है, क्या सबूत है जो मेरे बेटे ने कमलावती के भवन में गया था, उसके पलंग से इज्जत से खलवाड़ किया था? सबूत चाहिए ना, देखिए सबूत। वाह राजा साहब, बच्चे के कपड़े सबूत के रूप में उठाकर लाइए। अरे बच्चे का कपड़े माँ के पलंग पर आ जाती है, इसमें बुरा सोचने की क्या बात है? मैं भी जानता हूं कि हर माँ अपने बच्चे की कपड़ा सफाई करते हैं, माँ की बिस्तर पर कपड़ा रह भी सकता है, वो मैं जानता हूं खुद। लेकिन वो कपड़ा नहीं रखा गया है, इज्जत से खेल बार करते समय वो भागना चाहा तो बदन से कपड़ा पकड़ दिया, वो भागम बर्दी छीना दिया है। स्वामी, क्या सही है और क्या गलत है ना आप जानते हैं ना मैं, वो तो चंदन जानता है या कमलावती। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप एक राजा हैं
बड़ी सोच समझ कर फैसला करना राजा साहब, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। गद्दार नहीं है जो पति के साथ गद्दारी किया है तुम जिंदगी भर, लेकिन वो बादशाह गद्दारी नहीं किया है, लेकिन तुम जिंदगी भर ये गद्दारी किया है। वैसे कमलावती नहीं है गद्दार किया है, यही गद्दारी है ना मेरी जो मैंने जीवन भर साधु का सेवा किया, यही गलती मेरी है ना जो मैंने काल का पूजा नहीं किया, झारपात का पूजा नहीं किया। खामोश, झारपात मत बोल, पूजा करते आए लेकिन मेरे बातों का भी नहीं मानी है। कमलावती पर मुझे पूरा विश्वास है, वो ये बोले कि वो सही में तुम्हारा औलाद इज्जत से खेल भर किया है। आप औरत को नहीं जानते हैं स्वामी, औरत के बारे में आप कुछ नहीं जानते। हरी एक औरत ऐसी होती है जो सूर्पनखा बनकर अपने कुल को नाक कटवा देती है, और एक औरत ऐसी होती है जो सीता बनकर अपने कुल को तार देते हैं। आप औरत के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ हाँ, वो औरत तुम है, सूर्पनखा बनकर तुम ना कटवाते, मेरे वंश का विनाश तुम करने के लिए आई है, तुम है वो सूर्पनखा, लेकिन कमलावती नहीं है। अगर मेरा बेटा गलत है तो मैं इस बच्चे को कत्ल करूंगी, अपने हाथों से इस सैन्य सभा के बीच में कत्ल कर दूंगी मैं। अगर मेरा खून गलत है तो मैं बहा दूंगी ऐसे गंदे खून को इसी बार सभा के बीच में। वो इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया। अरे जन्म लेते समय मेरे कोख में क्यों नहीं मर गया तू, जो आज ये दिन नहीं देखना होता। यही है बच्चों का कर्तव्य, जो अपने माँ अपने बाप को कलंक लगा दो, भरे सभा के बीच में जलील कर दो। क्या जरूरत थी उस नागिन के पलंग पर जाने के लिए? अगर तुझे शादी करनी थी तो मुझे बोलता, हजारों लड़की तुम्हारे पीछे लगा देती मैं। क्या जरूरत थी उस नागिन के पलंग पर जाने के लिए? माँ, अब तुम भी मुझे गलत समझ रही हो, मैं कह दिया ना। माँ, मनिक चाहे समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में चढ़ जाए, परमात्मा गवाह है, अनचित नहीं होगा। साक्षी ये धरती है, साक्षी है पवन देव, खाता हूँ पाठ कर नाम की, आज तेरे सामने खा रहा हूँ माँ, तेरी चरण सुगंध की माँ।